पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी करने की वजह से भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया है। मामले को बढ़ता हुआ देख नुपुर ने भी सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी है, लेकिन इस बीच कंगना रनौत ने नुपुर शर्मा का साथ दिया है। तो आइए जानते हैं कंगना रनौत ने क्या कहा है नुपुर शर्मा को लेकर। नुपुर शर्मा ने हाल ही में एक डिबेट शो में पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद न केवल मुस्लिम समुदाय बल्कि अरब देशों में भी लोग नुपुर शर्मा के बयान का विरोध कर रहे हैं। मामला को बढ़ते हुए देख बीजेपी ने भी एक बयान जारी कर कहा है कि ऐसी टिप्पणी पार्टी के मूल विचारों के उलट है। अब इस पूरे मामले में कंगना रनौत ने नुपुर शर्मा का बचाव किया है। कंगना ने कहा है कि वो भी अपनी राय रखने की हकदार है। उन्होंने इंस्टा स्टोरी पर नुपुर पर अपना स्टेटमेंट दिया है। कंगना अपनी इंस्टा स्टोरी पर कहती है कि नुपुर अपनी राय रखने की हकदार है। उन्हें मिल रही तरह तरह की धमकियां मुझे दिखाई देती है। वे लगभग हर दिन हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, तो हम कोर्ट जाते हैं। कृपया डॉन बनने की ज़रूरत नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है। हमारे पास एक चलने वाली सरकार है जिसे लोकतंत्र नामक प्रक्रिया के साथ चुना गया है। जो भूल गए उनके लिए बस एक रिमाइंडर है। आपको बता दें कंगना रनौत की हाल ही में फिल्म धाकड़ रिलीज हुई है, जो बॉक्स ऑफिस पर औधे मुंह गिरी। एक्ट्रेस की आने वाली फिल्मों की बात करें तो जल्द ही तेजस, सीता और मणिकर्णिका रिटर्न्स में नजर आने वाली है। इसके अलावा कंगना ने अपनी अगली फिल्म इमरजेंसी का शूटिंग भी शुरू कर दी है, जिसमें वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के किरदार में नजर आएंगी। अब जिस तरह से नुपुर शर्मा को कंगना रनौत और ऐसे कई सारे लोगों का साथ मिलने लगा है, तो आगे देखना ये होगा कि ये मामला कहाँ जाके रुकता है।